वेलकम टू इंटरनेट स्कूल। आप लोगों का इंटरनेट स्कूल पर स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हर इंसान में कोई ना कोई शक्ति होती है, ऐसे ही हर इंसान में कोई ना कोई कमियां भी होती हैं। ऐसे ही कुछ कमियां कंप्यूटर के अंदर हैं। तो अपन लोगों ने स्ट्रेंथ देख ली है पहले, मतलब सेकेंड पार्ट में। अब अपन लोग देखेंगे कंप्यूटर की क्या कमजोरी है, कंप्यूटर की क्या वीकनेस है। तो कंप्यूटर की पहली कमजोरी है, पहली वीकनेस है कंप्यूटर की, जीरो इंटेलिजेंस, मतलब नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के अंदर जीरो आईक्यू है। जैसे हर इंसान में कोई ना कोई आईक्यू होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जीरो आईक्यू है। कंप्यूटर बिल्कुल होशियार नहीं है, कंप्यूटर एक डम मशीन है, कंप्यूटर एक बेवकूफ़ मशीन है। अभी आप लोग सिर्फ इतना ही समझो, कंप्यूटर एक बेवकूफ़ मशीन है। जैसे कि एक हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आईक्यू होता है, लेकिन कंप्यूटर में कोई भी आईक्यू नहीं होता है, कंप्यूटर एक डम मशीन है। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ही समझो, कंप्यूटर एक डम मशीन है। ओके, तो ये थी, मतलब ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है अपन लोगों का डिपेंडेंस ऑन मैन पावर। जैसे कि मुझे आप लोग एक बात बताओ, हर इंसान को चलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर कोई इंसान चाहता है कि वो चलना स्टार्ट करे, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तो उसको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने पाँव के सपोर्ट से चला जाएगा। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, कंप्यूटर को चलने के लिए, कंप्यूटर चाहता है कि मैं चलूँ, लोग मुझे यूज़ करें, तो उसके लिए कंप्यूटर को एक इंसान की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर अकेले कभी कुछ नहीं कर सकता, एक इंसान अकेले सब कुछ चीज़ें मैनेज कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर अकेले कुछ मैनेज नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ही समझो, डिपेंडेंस ऑन मैन पावर, कंप्यूटर को चलने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट अपन लोगों का है आज की इस वीडियो में, इनकैपेबिलिटी टू थिंक। कंप्यूटर बिल्कुल सोच नहीं सकता, हर इंसान सोच सकता है, हर इंसान डिसीजन ले सकता है अपनी लाइफ का कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, कंप्यूटर बिल्कुल नहीं सोच सकता है, कंप्यूटर बिल्कुल एक भी डिसीजन नहीं ले सकता है। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना ही समझो, कंप्यूटर के अंदर ज़ीरो इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर को चलने के लिए एक इंसान की ज़रूरत होती है, डिपेंडेंस ऑन मैन पावर, एंड थर्ड इनकैपेबिलिटी टू थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी हो तो प्लीज़ उसके लिए थैंक यू। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद इंटरनेट स्कूल चैनल को आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस इंटरनेट स्कूल यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारी, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि कंप्यूटर क्या है, बेसिक कंप्यूटर से लेके एडवांस कोडिंग तक सब कुछ मैं इंटरनेट स्कूल चैनल पे मैं सब कुछ अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब अपन लोग आगे की वीडियो में सारे कंप्यूटर के पॉइंट कवर करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू अगेन आप लोगों ने अगर ये वीडियो फुल देखी हो, और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और इंटरनेट स्कूल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना ध्यान से। और ये वीडियो अगेन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसके लिए भाई थैंक यू।